वगैरह में आप सभी को स्वागत है। स्वागत है आपको केरला में तिगोड़ी में है, और आगे की तरफ जाना है आपका कालीकट की तरफ, कल जा नहीं पाए और यही पेट्रोल पंप में रुके थे तिगोड़ी के पेट्रोल पंप में। मैं निकल पड़े आगे की तरफ और देखते कहाँ तक जा पाते हैं। अभी जब बताना मुश्किल है, रोड पे थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है, यहाँ के रोड पे लोग रुकवाते हैं और अच्छा बात भी करते हैं, बारे में हमारे बारे में सुनते भी हैं, ये इसलिए लेट भी ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं, लेकर जाते हैं आपको कहीं ना कहीं। तगड़ी ट्रैफिक लग गया सुबेरे ही, आज सोमवार है तो लगने वाला है, लगना चाहिए भाई। अब आगे चलने में मुझे तकलीफ तो होगा ही, तब तक पहुंचूंगा पता नहीं। चलो साइड से थोड़ा सा जगह मिल गया, उसी से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रैफिक कब तक ख़त्म होगा पता नहीं, हम भी थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ। और बढ़िया सब कुछ है, अभी तक सवा नहीं हुआ नहीं, आगे जो भाई होटल मिलेगा तो कर लूँगा। तब तक के लिए अभी दाल और पराठा यही मिला है, थोड़ी देर बाद फिर रुकूंगा तब चावल। क्या बोलना बोलो आप कालीकट में? अभी फिलहाल मैं कालीकट में हूँ और अभी थोड़ी ही देर पहले आए हैं, सर को भी देखते हैं तो ये आप लोग थोड़ा दिखाएगा सर मुझे यहाँ पे लेके आए, मुझे कल आज आना था और थोड़ी देर पहले सर से मुलाकात हुआ है। सर मुझे यहाँ पे इन्विटेशन किया है, मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। केरला तो ऐसे है ही अच्छा, सुने हैं लेकिन अपने आंखों से देख रहे हैं बहुत बेहतरीन है। यहाँ के लोगों का नेचर साथ साथ ये लोगों का वेलकमिंग फैक्टर मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। यहाँ पुलिस वाला से शुरू करके छोटे से छोटा वार्ड का जो काम करते हैं वो लोग भी बहुत बेहतरीन है। और मैं ऐसा ही जो स्टेट केरला है पूरा देश के लिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसा ही हर जगह बने, बहुत बेहतरीन रहेगा हमारा देश। जहाँ पे हम लोग केरला और पंजाब छोड़ के जहाँ पे हम लोग सिर्फ जात पात लेके झगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे तरक्की के लिए लोग बैठे हैं तो ये बहुत बेहतरीन है। प्लीज़ आप लोग ये अपनाइए, जो गलत चीज़ है वो निकाल दीजिए दिमाग से और जो अच्छा है उसको अपनाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा, यही मेरा मतलब कहना है। जय हिंद जय भारत, आई लव यू कालीकट। यहाँ से ये समुंदर के जस्ट साथ में ही आपका है पापास एंड मामास रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आके वीडियो हो रहा है दे रहे हमको, तो यहाँ पे आके हमारा ढेर सारे भाई लोगों से मुलाकात हो गया है। ज़्यादातर भाई लोग सब कोलकाता से तो सबसे मुलाकात होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बंगाली में बात करो, बंगाली में बात करो, খুব ভালো লাগে স্যার, সবসময় দেখা হয় না, সত্যি বলতে খুব ভালো লাগছে যে ইতনা দূর সে আয়ে হ্যাঁ সাথে সাথে লোক মিল গিয়া হ্যাঁ বহু মস্ত লগতা হ্যাঁ দিল মে ঠান্ডা পড়তা হ্যাঁ সব আচ্ছা লাগতা হ্যাঁ ভালো লাগতা হ্যাঁ চলো ভাই। मैं सर ने मुझे इनवाइट किए हैं, पहले तो मैं गए हैं पापास एंड मामास वेस्टिल से मिला पापास मामास बुलाया, वहाँ से फिर सर लेकर आए उनका पूरा जो टीम है, इनका एक गाना का शूटिंग चल रहा है वहाँ पे, बहुत बेहतरीन लगा है। और आइए सबसे मुलाकात कराते हैं, और हम लोग अभी खाने के टेबल पे बैठे हैं, सबसे मुलाकात यहीं पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, सब लोग शुरू भी कर दिए खाना। ये सलीम भाई है, आपसे शुरू करते हैं। शुरू सलीम भाई के जो अच्छा। निकाल रहे हैं ना जी वो सलीम भाई के नीचे जो बैठा है इतरीस भाई है, बाकी भाई लोग आप लोग का नाम बताओ। आसिफ मसाले वाले देख लीजिए सिजो, ये सिजो ही है, सिजो ऐसे है, मुनीर है। एक्चुअली खाने के टाइम एक साथ मिल गए ना, यही बहुत अच्छा है आपसे मिला है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
धन्यवाद। ठीक है, खाना खाने के बाद ही तब बात करेंगे। ठीक है, सब ठीक है। कालीघाट बीच के जस्ट बगल से रास्ता निकले है, उसी रास्ता से चल रहा हूँ। तो मुलाकात हुआ था ढेर सारे लोगों से, जो लोगों से फिर आपको शाम आप लोगों को शाम को मुलाकात कराता है। क्या है, कालीघाट बीच के बगल से जो रोड है उसी से चल रहे हैं हम, और जिन लोगों से मुलाकात थोड़ी देर पहले आप लोगों का हुआ है उन लोगों के साथ फिर से मुलाकात कराएंगे शाम को। वो लोग सब अपने अपने काम पे बिजी है, और जो सैर है वो सैर जो है उनके बारे में भी बताऊंगा। चलिए अभी आगे बॉम्बे होटल जाना है, वहाँ से सामने ही आपका कुरियर सर्विस है, वहाँ पे जाना है मुझे, उस चीज़ कुरियर कराना है। कालीघाट से थोड़ा एक कालीघाट के अंदर ही आ रहा है ना अभी, तो कालीघाट से उस तरफ से मैं इधर आ गए थे, तो भाई लोगों से मुलाकात हुआ। बहुत बेहतरीन बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग यहाँ पे नाच दिया पूरा डांसिंग। कुछ कहना तो है नहीं, कुछ कहना है, कहना है कुछ? चलो तुम अपने भाषा में बोलो। पहली बार सनसेट देख रहा हूँ वो भी कालीघाट में बैठ के। समुंदर के लहरे और साथ साथ सनसेट का थोड़ा सा नज़ारा जो बहुत दूर तक है, उसका तेजी हल्का सा दिखाई दे रहा है सूरज देव को। सवेरे जो अंधेरा हो चुका है 7:06 और मैं अभी भी वही पे हूँ, वही बीच पे हूँ, और लाइट लग गया है, हर जगह लाइट लगे हुए जल गया है, अब देख ही पा रहे हो। और समुंदर बगल में है, समुंदर का जो लहर है वो हम देख पा रहे हैं। मोबाइल थोड़ा अच्छा है शायद मेरा, वो आज ही मुझे लग रहा है जो मोबाइल मुझे थोड़ा अच्छा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। इधर तो लाइट है, चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन इधर तो लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। मजा ले रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हो गया, कभी अच्छा बात बोल दिए, कभी थोड़ा सा खराब बोल दिए, वो तो जो वीडियो डालेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। यही लोग हमारे साथ थे अभी तक, मैं साइकिल 2-3 बार चला के इन लोगों को ट्रायल देना पड़ा। ये देखिए वीडियो बनाने के बाद सुनने का स्टाइल देख लीजिए, बहुत बेहतरीन है। यार क्या करूँ, कॉफ़ी पीने आए हैं, और ये सर ने मुझे लेके आया, इसके जो डिस्क्रिप्शन है सर पता है, सर थोड़ा बता दीजिए इसके। जो छोटा मुर्गी है ना, हाँ का अंडा है। अच्छा, छोटा मुर्गी का अंडा, मुर्गी नहीं है वो, क्या बोलते हैं मालूम, वो छोटा सा होता है ना। अच्छा अच्छा, अरे ये जो कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। कॉफ़ी इसको अरबिक में कावा बोलता है, और अपना लैंग्वेज में चुकावा बोलते हैं। चुकावा, चुकावी। हाँ, इसमें ऑनियन डाला जाता है, ऑनियन डाला है, ब्लैक पेपर है, शक्कर और कॉफी और जिंजर, जिंजर, हाँ जिंजर जी। और ये जो अंडा है इसके बारे में मैं भी सुने हैं, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बताइएगा वीडियो में।
घर से निकलते कुछ तो जमी पे फलक से परियां आ गई है। आज एक खाना जो है मुझे प्रोवाइड किया सर ने, इनके बारे में नम्मल दुबई में सिर्फ बिजनेस ആയിരുന്നു ഇതിനെ കേറിങ്ങനെ റോസ്റ്റഡ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും പിന്നെ ക്ലബ് ബർഗർ ഐറ്റംസ് ജ്യൂസ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട്। दुकान कब चालू किए आपने? अभी एक महीना का होता, एक महीना 20 दिन हो गया बस, पहले दुबई में था। ये मेरा स्पेशल आइटम। अगर आप लोग कभी कालीकट आ रहे हो तो इस दुकान को, इस रेस्टोरेंट को जरूर विजिट कीजिएगा। और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपका मॉकटेल जूस वगैरह सर घुमा दीजिए। इसका स्पेशलिटी जो है आप मतलब खुद खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।